सो हेलो ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी एसएससी टेक 63 मेंस से रिलेटेड, मैं सबसे पहले आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा वो सारी अपडेट्स। आज मैं एसएससी टेक 34 वुमेन्स के लिए भी कुछ अपडेट्स लेकर के आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। ब्रांच वाइज कट ऑफ भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में अभी कन्फ्यूजन है कि क्या वो सेलेक्टेड हैं कि नहीं है, क्या वो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कौन समझ सकता है कि वो शॉर्टलिस्टेड है, कौन समझ सकता है कि अब उसके चांसेस नहीं हैं या कोई और मेथड है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूँगा। एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी के साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जैसे कि बुक्स कौन सी अभी आपको पढ़नी है, वीडियोस कौन से आपको देखने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। एसएसबी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से आप सभी के लिए गिफ्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर मैं आप सभी के लिए डिस्कस करूंगा। वो सब कुछ आपको इस एक वीडियो में मिलेगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यूज स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ कि अब से अभी आपको कोई भी थर्ड पार्टी की ऐप के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो हमारे इंस्ट्रक्टर कविता मैम है, उन्होंने ये साइट डिज़ाइन की हुई है जो आपके लिए अब 24/7 अवेलेबल है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें वन गो में स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए व्हाट्सएप है। यहाँ से आप डायरेक्टली हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी आप सभी के लिए है, यूट्यूब भी है और बाकी और प्लेटफॉर्म्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। यहीं पर आपको कोर्सेज का सेक्शन भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको आपके एसएससी टेक और रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। सो अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में, बट पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एसएससी टेक की जो बहुत सारी क्वेरीज आई हैं आप सबकी गवर्नमेंट क्रैकर्स प्लेटफॉर्म पे जो आपने पूछी हुई है, उनका आंसर मैं यहां पर करता हूं वन बाय वन। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, ऐसी एसएससी टेक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं रेगुलर बेस पर लेकर के आता रहूंगा, क्योंकि मैंने पूरी एक सीरीज अब रेडी कर ली है आप सभी के लिए। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए ताकि वो आपसे मिस आउट ना हो, और अगर वीडियो से वैल्यूज मिल रही हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो होता है एसएससी टेक 63 जो मेंस हैं उनकी कट ऑफ आउट हो चुकी है। हम सबको पता है गवर्नमेंट क्रैकर्स पे ऑलरेडी मैंने बता दिया था एक वीडियो में कि एसएससी टेक 63 की कट ऑफ आ चुकी है, बट कई सारे स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता है। तो इस चीज़ को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्या कट ऑफ है, वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में ऑफिशियल तरीके से मैं आप सभी के साथ यहाँ पर चीज़ें बताऊंगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को यहाँ पर दे रहा हूँ वो सारी ऑफिशियल है, ऑथेंटिक सोर्सेस से है और हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू इवेलुएट किया हुआ है, तब मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन फेक नहीं है और यहाँ पर सारी चीज़ें थरोली चेक है तब आपके साथ शेयर की जा रही है। ओके, सो आप थरोली देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। पहले हाफ इन्फॉर्मेशन लेकर के जाओगे एंड देन फिर कुछ आधा अधूरा कर जाओगे एंड देन उसके बाद फिर फंसोगे एंड देन यू विल से कि हमें पता नहीं था, गलती हो गई, अब इसको कैसे ठीक करें। तो फर्दर कोई प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करने से अच्छा है कि एक बार में इन्फॉर्मेशन सुनो एंड देन उसके बाद प्रॉपरली स्टेप वाइज सारी चीज़ें करो। इसीलिए हम ये वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर के आते हैं। सो सबसे पहला यहाँ पर है कि एसएससी सीडब्ल्यू 34 को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन है वुमेन्स के अंदर, कि उन्होंने भी अप्लाई किया था साथ में एप्लीकेशन फॉर्म, बट अभी उनको नहीं पता चला है कि क्या वो सिलेक्टेड है कि नहीं सिलेक्टेड है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गवर्नमेंट क्रैकर्स ने बताया था मेंस को लेकर के कि उनकी कट ऑफ निकली है, अभी वुमेन्स की कट ऑफ आउट नहीं हुई है, बट ये जैसे ही आउट होगी सबसे पहले हम आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आपका टेंशन अभी हम दूर कर दे रहे हैं कि वुमेन्स की कट ऑफ अभी नहीं निकली है। वुमेन्स की कट ऑफ जैसे ही निकलेगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सो वीडियोस आप लोग देखते रहिएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा मैं सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करूंगा और क्या कट ऑफ जाएगी वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो वुमेन्स आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा आपको भी एंड देन बहुत ही जल्दी आपकी कट ऑफ भी निकलने वाली है। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये है, क्या मैं शॉर्टलिस्टेड हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्या मेरे को कॉल लेटर आएगा,
कि नहीं आएगा, मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ है, तो ऐसी बहुत सारे जो डाउट्स हैं आपके, वो मैं अभी आपके क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्या आप समझ सकते हो कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास कॉल करते हैं और ये पूछते हैं कि क्या मेरा बेटा या मेरी बेटी सेलेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं वन गो में अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। सो सबसे पहले तो हम ब्रांच वाइज कट ऑफ चेक कर लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करने के बाद मुझे नहीं लगता आपके पास कोई डाउट रह जाएगा कि आप सेलेक्टेड है कि नहीं है, और पेरेंट्स का भी टेंशन दूर हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ब्रांच बता देता हूँ कि जो एसएससी टेक होती है वो बेसिकली कुछ मेन ब्रांचेस में डिवाइडेड है, और ये सिर्फ अभी मैं मेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी वुमेन्स का आउट नहीं हुआ है, बट वुमेन्स का भी इसी तरीके से होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ताकि आपको पहले से आइडिया रहे। सो सिविल, जैसे आप सभी जानते हो, सिविल ब्रांच है, देन सीएस कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, ठीक है, इसको आईटी भी इसी में आती है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैकेनिकल हो गया, और फिर अदर स्ट्रीमिंग जो इंजीनियरिंग की होती है उनको हम मिसलेनियस कैटेगरीज में डालते हैं। तो अब यहां पर ये रही आप सभी की कट ऑफ। तो अब यहां पर मैं आप सभी को बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो पेरेंट्स लोग जल्दी से नहीं समझ पाते, स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं। देखिए यहां पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज बोला है, ठीक है, जो कि आपका फाइनल सेमेस्टर या ईयर, इसके बेसिस के ऊपर हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। इसमें आपका कंसिडरेशन कैसे होगा, सबसे पहला पॉइंट ही आप ध्यान रखिए, आपका परसेंटेज यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में हम सिर्फ आपका 6 सेमेस्टर तक की इंजीनियरिंग का ही परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। आपका 8 सेमेस्टर तक क्या आपका परसेंटेज बन रहा है उससे नहीं मतलब है, 6 सेमेस्टर तक आपका क्या परसेंटेज बना है इस पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो अगर 6 सेमेस्टर तक हम देखें तो यहां पर हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 6 सेमेस्टर तक की बात करेंगे, बट अगर हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो हम अप टू 8 सेमेस्टर तक की बात करेंगे, और इसी के साथ साथ अगर हम एमएससी जो कि मास्टर्स डिग्री है अगर उसमें आपने अप्लाई किया है तो हम उनके 2nd सेमेस्टर तक की बात करेंगे, मास्टर्स में 2nd सेमेस्टर तक यानी फर्स्ट ईयर तक की हम बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहली जो ब्रांच आती है वो सिविल ब्रांच होती है। सिविल ब्रांच की जो कट ऑफ है वो 60% है, तो यानी अगर आपके 6 सेमेस्टर तक मार्क्स या बाकी जो और मैंने क्राइटेरिया बताया उसमें आपके 60% तक मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, आपको ईमेल आ चुका होगा। ओके, अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो जाकर के चेक कर लीजिए। ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच में है, आईटी में है, उनको क्या करना है, उनकी जो कट ऑफ गई है मेंस के लिए वो है 76%। तो अगर आपके 76% भी हैं तब भी आप सेलेक्टेड हैं, और अबव अगर आपके इससे परसेंटेज हैं तो आप सेलेक्ट हैं, अगर नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ यहां पर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो परसेंटेज गया है 63%, और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो ये गया है परसेंटेज इस बार 60%। इसी के साथ साथ अगर मैकेनिकल की बात करें तो मेल्स के लिए गया है 60%, और मिसलेनियस और जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं उनके लिए जो कट ऑफ है वो 60% है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने आपको कट ऑफ डिटेल पूरी की पूरी ऑफिशियल यहाँ पर शेयर की है। तो जितने भी पेरेंट्स को ये डाउट है कि क्या उनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिनको ये डाउट है कि क्या वो सेलेक्ट हुए हैं नहीं हुए, उनको क्यों कॉल अप नहीं आया है या वो वेट कर रहे हैं, तो ऐसे चीज में आप अपने परसेंटेज को यहां पर देखिए आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, एंड देन अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो अपने ईमेल को चेक करिए, अगर आपका इससे ऊपर है तो डेफिनेटली आपको कॉल आया होगा और आपने अभी तक चेक नहीं किया, तो ये एक बड़ी गलती है जो आपने की है। आपको सबसे पहले अपने ईमेल को रेगुलरली चेक करना है जो कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल है। आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसे स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, बट उनको नहीं पता है आगे क्या करना है, तो सबसे पहले तो मैंने आप सभी को यहां पर पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि 26 यानी आज शाम को 4 बजे तक आपके पास टाइम था, आप डेट सेलेक्ट कर सकते थे अपनी एसएसबी का, तो यहां पर आपको चॉइस दी गई थी। अगर ऐसे स्टूडेंट आप हैं जो नहीं ये जानते थे कि कट ऑफ निकल गई है और आपने मिस कर दिया या किसी तरीके से आपने डेट सेलेक्ट नहीं की, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको चॉइस दी जा रही थी, आप अपने मर्जी से डेट सेलेक्ट कर सकते थे, बट यहां पर आपने इसे मिस आउट कर दिया, तो अब जो भी बचे हुए स्लॉट है उनमें से कोई भी रैंडम डेट आपको सेलेक्ट करके दी जाएगी, अब आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगा। ओके, सिर्फ यही प्रॉब्लम है आप सभी
के साथ कि आपने टाइमली अगर चीजों को नहीं फॉलो किया तो ऐसे ही आपके हाथ से चीजें निकल जाएंगी। तो यहां पर आपको अब रैंडमली एक डेट अलॉट हो जाएगी और आपको ईमेल आएगा कि इस दिन आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए आना है। तो आई होप यहां तक आपकी पॉइंट सारे क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहला जो यहां पर अब डाउट आ रहा है वो ये होता है, स्टूडेंट्स मेरे से कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम वो एसएसबी देने जा रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आप एसएसबी देने जाते हो तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके सेलेक्ट होने के। बट वहीं पर हम ये भी जानते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, पहली बार हम जाते हैं, इनएक्सपीरियंस रहते हैं। तो ऐसे केस में अगर छोटी सी भी गलती होती तो आप आउट हो जाओगे। तो अपने चांसेस को कैसे बढ़ाना है, यहां पर हम अब उन चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहला यहां पर हमें ये जानना है, स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं हाउ टू क्लियर द एसएसबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में ही। और हम भी यही बोलते हैं कि जितना ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी है उतना ही आपके लिए अच्छा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जाइए, फ्रेश माइंड के साथ जाइए एंड एक बार में एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करके आइए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मल्टीपल अटेम्प्ट है तो आप क्लियर नहीं कर सकते, बट आपको एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है, आपको थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा। आप अगर सब कुछ ऐसा सोचेंगे सब कुछ आपको पता है एंड देन उसके बाद आप चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, किसी चीज पे बिलीव नहीं करेंगे तो आप राइट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम एसएसबी के लिए जा चुके हैं, कुछ तो कमी होगी आप में जो आपको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। तो थोड़ा सा हमेशा अपने ईगो को साइड में रख करके दूसरे की बात भी सुननी चाहिए एंड देन उसके बाद फिर आपको जज करना चाहिए कि एक्चुअल में कहां मेरी कमी हो रही है, मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा हूं। ओके, सो दूसरा ही आपको बता सकता है कि आपके अंदर क्या कमी है, रेदर देन कि आप बस टाइम वेस्ट करें एंड देन उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में जा करके भी रिजेक्ट हो जाए। इससे अच्छा है कि आप इस अटेम्प्ट में जाओ और क्लियर करके आओ। और फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आपको क्लियर करना है। सो सबसे पहले तो आप सभी का एक ही काम होना चाहिए कि बुक्स और वीडियोस जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, एक एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखिए, बुक्स को जाइए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए एंड देन प्रैक्टिस एक्सरसाइज इवैल्यूएट करने के लिए दीजिए। अब यहां पर आपको मैं बताता हूं कि बुक्स और वीडियोस कैसे मिलेंगी, कहां मिलेंगी और कैसे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहां पर governmentcrackers.com नाम की ये साइट है, यहां पर मैं ये अंडरलाइन कर दे रहा हूं। इस साइट के ऊपर आप जाओगे तो यहां पर आर्मी एसएसबी इंटरव्यू के नाम से एक कोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा। ये एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू, कविता मैम के थ्रू डिजाइन किया हुआ एसएससी टेक से रिलेटेड ही एक कोर्स है, स्पेशली एसएससी टेक के लिए ही ये डिजाइन किया गया है, ठीक है। सो इस कोर्स में आपको क्या क्या हम प्रोवाइड करा रहे हैं, 150 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जितना भी आपके टेस्ट आपके एसएसबी इंटरव्यू में 5 डेज के अंदर होंगे, अराउंड 20 प्लस डिफरेंट टेस्ट होंगे, हर टेस्ट का ईच एंड एवरी डिटेल्स, क्या ट्रिक्स उसमें अप्लाई करनी है, क्या शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हो, टाइमली कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये सब कुछ इन 150 वीडियोस में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी के साथ साथ 25 बुक्स का सेट्स हम आपको दे रहे हैं। ये बुक्स बाकी बुक्स से किस तरीके से अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल नहीं, अराउंड 300-400 तो सॉल्ड एग्जाम्पल्स ही है एंड देन इतने ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इतना एक्सटेंसिव मटेरियल आपको मिल रहा है जो अगर आप ध्यान से करो तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 95% सिलेबस इसी के अंदर से आने वाला है। इसी के साथ साथ हम आपको स्क्रीनिंग की स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी की स्ट्रेटजी, इंटरव्यू की स्ट्रेटजी और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपको बता देंगे कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा। तो ये सब कुछ पूरा पैकेज आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ये रहा वो कंप्लीट बुक का सेट जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो ईच एंड एवरी चीज कंप्लीटली यहाँ पर कवर है, स्टार्टिंग से लेकर के। जैसे ही मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको कौन सा सिलेक्शन सेंटर मिला है आपको पता चल गया होगा, उससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में, प्लेसेस के बारे में, जो आर्मी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे इस बुक में आपको कवर हो जाएंगे। देन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपको पता है आर्मी स्ट्रिक्ट होती है, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं गए या कुछ भी अगर उसमें प्रॉब्लम है आपके डॉक्यूमेंट में तो आपको रिजेक्ट कर देंगे वहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपके जाने का कोई फायदा नहीं है। तो
आप बिल्कुल मिस ना करें कोई भी डॉक्यूमेंट, वो सारी डिटेल्स इस बुक में है। आपका स्टार्टिंग डे में जो टेस्ट होगा वो आपको इस बुक से कवर करना है, एंड द स्टोरी राइटिंग है वो आप इस बुक से कवर कर लोगे। देन आपका साइकोलॉजी के कुछ टेस्ट है जैसे वर्ड एसोसिएशन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये सब आप इन दोनों बुक से कवर करोगे। देन GTO के जो टास्क होते हैं वो इस बुक में पूरी तरीके से कवर है। देन लेक्चरेट के टॉपिक्स इस बुक में है, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक इस बुक में है, और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आपका ट्रू नेचर सामने आता है, वो इस बुक में से आपको सॉल्व करनी है। आर्मी में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप इस बुक से कवर करोगे। मेडिकल्स के लिए भी हम अभी से आपको प्रिपेयर कर देंगे, तो मेडिकल के लिए भी हमने बुक प्रोवाइड कर दी है। इसी के साथ साथ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 1000+ क्वेश्चंस का पूरा सॉल्व एग्जांपल्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो इससे बाहर से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो दैट इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ द SSB इंटरव्यू, क्योंकि इन बुक्स में से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके, देन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी यहां पर हम आपको दे रहे हैं। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है तो अभी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिफ्ट भी आप लोगों के लिए। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कविता मैम को कांटेक्ट किया, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि उनके पास आइडियाज़ हैं, बट जब वो SSB इंटरव्यू में जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका बैकग्राउंड है वो इंग्लिश का नहीं है। सो ऐसे केस में क्या होता है कि वो अपने आइडियाज़ को पुट फॉरवर्ड नहीं कर पाते और इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर हमने ये सोचा कि सिर्फ इंग्लिश की वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन ना हो ये सही बात नहीं है। तो इसलिए हम पहले सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्रोवाइड करा रहे थे कोर्स के साथ, बट अब हम हर बच्चे को, जो भी बंदा इस कोर्स में एनरोल कर रहा है, हम आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अपना कोर्स ओपन करोगे वहां पर आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो प्रोफेशनल इंग्लिश होती है, एक डिफेंस एक्सपर्ट के साथ कैसे बात करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के साथ साथ कई सारे फ्री एड ऑन्स हैं जो आपको ऑलरेडी इस कोर्स के साथ मिलेंगे, जिसमें करंट अफेयर हो गया, आपको नोटिफिकेशन हो गया, रेगुलर अपडेट्स हो गया, एंड मॉक इंटरव्यू, ये सब कुछ हम इस कोर्स के अंदर फ्री में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिल रहा है। ये सब कुछ आपको governmentcrackers.com साइट के पास मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप सभी के लिए मेंशन है। सो जल्दी से जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए। कम टाइम होगा आपके पास, विद इन 1 month है, और 1 month के अंदर कैसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ये सब कुछ आपको कविता मैम अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्ट करेंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में हमें बताइए, और किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप बताइए, मैं बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए वो वीडियो भी लेकर के आऊँगा। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।